नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां भवानीपुर समेत 3 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग हो रही है। सबसे बड़ा मुकाबला भवानीपुर में है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टक्कर बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से है। अब तक 60 राउंड की गिनती हो चुकी है और ममता बनर्जी 25,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं और भवानीपुर में 21 राउंड की वोटों की गिनती होनी है। और जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ममता की बढ़त भी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता की जीत जरूरी है, क्योंकि अभी वो विधानसभा की सदस्य नहीं है। और विधानसभा चुनाव में ममता को नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा था, जहां उनको बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने मात दी थी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फिलहाल काउंटिंग चल रही है, लेकिन जो जश्न का माहौल है वो तो शुरू हो चुका है। टीएमसी के जो समर्थक हैं वो जश्न मना रहे हैं। हालांकि इसमें कोई बहुत अचंभित होने की जरूरत इसलिए नहीं है, पहले से ही पॉलिटिकल पंडित इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाला है। वो यहां से तो जीत तय करेंगे ही करेंगे, लेकिन देखना ये होगा कि जीत का मार्जिन कितना बड़ा होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।